पढ़ाई से प्रतियोगिता तक। जूनियर स्तर मिशन शिक्षण संवाद की प्रस्तुति। बच्चों, आज हम भारत के संविधान के बारे में जानेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैसे बना, इसको बनाने के लिए कौन कौन सी समितियां बनी, संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई और संविधान वास्तविक तौर पर कहते किसे हैं। क्या बच्चों आप जानते हो संविधान क्या होता है? चलें शुरू करते हैं। संविधान होता है देश का सर्वोच्च कानून। सर्वोच्च कानूनों को संविधान कहा जाता है और इन कानूनों में आवश्यकता पड़ने पर हम संशोधन भी कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और भारतीय संविधान की शुरुआत इसकी प्रस्तावना से होती है, जिसमें हम सभी को वी द पीपल ऑफ इंडिया कहकर पुकारा गया है और इसमें लास्ट में डेट भी लिखी हुई है, जिसे नवंबर 26th डे ऑफ नवंबर 1949 कहा गया है, जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारा संविधान कैसे बना? 1946 को एक संविधान सभा की स्थापना हुई, जिसमें 389 लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनाई गई और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में भारत का संविधान लागू और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, आप स्कूल में भी तो 26 जनवरी मनाते हैं ना? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 26 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 448 आर्टिकल्स हैं। भारतीय संविधान भारत के हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुसार हर भारतीय को समानता का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार प्राप्त है, अपने धर्म को मानने का अधिकार प्राप्त है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। बच्चों, संविधान ने आपको भी एक अधिकार प्रदान किया है। क्या आपको पता है वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये अधिकार संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार द्वारा दी जाती है। तो सभी बच्चों को शिक्षा लेनी है और अनिवार्य रूप से लेनी है, जो कि आपको निःशुल्क मिलेगी। बच्चों, तो आज आपने भारतीय संविधान के बारे में जाना। संविधान किसे कहते हैं, संविधान कैसे बना, संविधान में क्या क्या अनुच्छेद रखे गए और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, आपको कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं जो शीट में दिए गए हैं, जैसे कि भारतीय संविधान कब बना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, RTE एक्ट क्या है और किस से संबंधित है और संविधान किसे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।